मेरा जो उम्रा था बहुत मशक्क़त वाला था इस एतबार से कि मेरी वालदा मेरे साथ थी और उनकी व्हीलचेयर को भी चलाना था, और फिर जो ऊपर का तवाफ़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो यानी जहाँ पर जितने आप नीचे तक चक्कर लगाते हैं, अगर 7 चक्कर लगाते हैं तो ऊपर के हिसाब से आपको जो है वो 14 चक्कर के बराबर है, बल्कि 14 से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरे बाउंड्री के साथ उसका वो लगा होता है और आपको वो पूरा चक्कर डबल से ट्रिपल पड़ जाता है, तो उसमें मशक्क़त भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये कि बहुत सारे मकामात पर कौन कौन सी दुआएं पढ़ते हैं सब कुछ, ये सब सीख कर जाने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर एक चीज़ मेंशन करूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो कम से कम उलमा की सोहबत लाजमी लें, उनसे अटैचमेंट हो, दीन को समझ के, दीन को पढ़ के, दीन को सीख कर फिर वो इस मकाम पर जाएँ और ख़ुद इस दीन की मेहनत में लग कर, ख़ास करके वो लोग जो तबलीगी जमात के साथ अटैच हैं उनके लिए बहुत ये बेनिफिट है कि वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह के रसूल और सहाबा के वाक़ियात और अंबिया के वाक़ियात को जब सुनते रहते हैं तो वो उनकी ईमानी कुव्वत भी अच्छी होती है और उनको इलम भी होता है। तो जब आपको इलम होगा कि किस सहाबी का कहाँ घर था, कौन से सहाबी मदीना के रहने वाले थे, कौन से सहाबी मक्का के रहने वाले थे, मक्का में क्या हुआ था और मदीना में क्या हुआ था, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी मक्का में क्या थी, मक्का में कौन सी आयतें उतरी थी, क्या किस जगह पे क्या हुक्म अल्लाह का मिला था, ये तमाम जब आपको चीज़ें पता होती हैं तो फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको जो मज़ा आता है, जो आपको सुकून मिलता है और जो आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, जो अहदीस हमने सुनी होती हैं, और जब आपको जब आप उस जगह पर जाते हो तो फिर आपके ऊपर एक कैफियत बनती है और फिर आपको उस सफ़र का बहुत मज़ा आता है। तो मैं वहाँ पर जाके जो मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था, उलमा से सुना हुआ था, तो फिर उन चीज़ों को मैंने नोट किया, देखा, तो इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। हमारी नज़र में सिर्फ वहाँ पर चंद उम्रे के फ़राइज़ हैं और उसके बाद जो है वो हमने खाना पीना है और हमने उसके बाद जो है वो सैरें करनी है, ज़ियारतें करनी है, आ जाना है। लेकिन वहाँ पर सहाबा के साथ क्या बर्ताव होता था, सहाबा का उनके साथ क्या मुश्किलात आती थी, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ये सब चीज़ें उसको समझ आती हैं जिसका दीन और दीन की मेहनत से ताल्लुक़ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सफ़र अच्छा इसलिए भी रहा कि चूँकि उलमा के साथ जुड़े हुए थे, उलमा के साथ पूछते रहते थे और ये सब इन सब चीज़ों की वजह से हमें बड़ा वहाँ पर मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 दिन हम हरम में रहे और वहाँ पर मुख्तलिफ दोस्तों से मुलाकात भी हुई। मज़े की बात ये थी कि वहाँ जाके पता चला कि इंडियंस हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे बेशुमार पाकिस्तानी भी लोग मिले जो सोशल मीडिया की वजह से जानते थे और बेशुमार इंडियंस मिले जो कि उन्होंने वीडियोस में और पिक्चर्स में देखा हुआ था। फिर वहाँ पर अब एक और निज़ाम बन गया है ये हरम के अंदर कि जो नीचे जो मुल्तज़िम वाली जगह है, जो ग्राउंड फ्लोर है, बल्कि वो बेसमेंट उसको आप कह सकते हैं, तो वो जो बेसमेंट है वो जहाँ पर ये खाना काबा की वो बुनियाद है, तो वहाँ पर जब मैं गए जहाँ तवाफ़ हो रहा होता है तो वहाँ पर अब उनका एक रूल पॉलिसी है कि आप अहराम की हालत में आएंगे, अहराम के बग़ैर अगर आप होंगे तो आपको वहाँ नहीं जाने दिया गया, आप मस्जिद में जाएंगे और या आप बाहर जो उसका सेहन है वहाँ तक आप रह सकते हैं जहाँ क्लॉक टावर है, तो अहराम की हालत में अगर आप जाएँगे तो ही आपको जाने दिया जाएगा। तो वो उम्रा करने वाले जो जिनका उम्रा हो रहा होता है तो वो तो जाते ही जाते हैं, तो फिर हम कभी ऐसा करते थे कि हम अहराम की हालत में जाकर तो नीचे जाके जो है वो नमाज़ पढ़ते थे और नमाज़ अदा करते थे। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जो जगह हैं, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, मुल्तज़िम है, तो वहाँ पर क्या अमल करना है, किसको चूमना है, किसको हाथों से चूमना है, किसकी सिर्फ ज़ियारत करनी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलम ना होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ऐसी गफलतें कर जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सीख कर उलमा के साथ अटैचमेंट लेकर जाना चाहिए। कम से कम दर्जे में अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई आलिम है या कोई समझदार बंदा है जो पहले भी सही तरह हज उमरा करता रहे तो उसके साथ आप ज़रूर जाएँ, आपको